इंसान रोजा कैसे रखे? जैसे खामोश रहे, खाए पिए नहीं और बस जो है वो भूखा रहे, नहीं। रोजे में उसके आंखों का रोजा, उसकी जबान का रोजा, उसके कानों का रोजा, उसके पूरे वजूद का रोजा, उसकी सोचों का रोजा। यही रिलेशन जो है वो माह रमजान में हमें मदद कर सकता है। वो हमें पता तो हो कि हम रोजा क्यों रख रहे हैं। रोजा वाजिब है, मुसलमान है, हमने रोजा रखना है। और बहरहाल रोजे के अपने अहकाम है, इंशाल्लाह आप उनको भी एक दफा जो है उनको रिवाइव करें, चीजों को देखें। जो लोग बहरहाल मरीज हैं, जिनको मुश्किलात हैं, बीमारी है, जिनको डॉक्टर कह रहा है कि वो खुद उसके फतावे भी मौजूद हैं, वो आप जो है वो महाराजे के फतावों को रुजू कर सकते हैं, जो भी उसकी रूलिंग्स हैं उनको आप देख सकते हैं। लेकिन रोजा इंसान ने रखना है, वाजिब है। और रोजा जो है वो एक ऐसा स्पार्क है कि इंसान के वजूद को शील्ड बना देते हैं। शील्ड, रोजा खुद एक शील्ड बन जाता है जहन्नुम की आग से। जहन्नुम की आग को रोजा बचाता है। और रोजा मगर कैसा रोजा रखना, इंसान रोजा कैसे रखे? जैसे खामोश रहे, खाए पिए नहीं और बस जो है वो भूखा रहे, नहीं। रोजे में उसके आंखों का रोजा, उसकी जबान का रोजा, उसके कानों का रोजा, उसके पूरे वजूद का रोजा, उसकी सोचों का रोजा। और फिर माह रमजान के दिन की अलग दुआएं हैं, रात की अलग दुआएं हैं, इबादतें हैं। तो इंसान जब उसकी तरफ देखा तो उसको वो रमजान महसूस हो कि वो खुदा के लिए ये रोजा रख रहा है, खुदा के लिए भूखा प्यासा रहना। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जब हम करेंगे तो हम फील करेंगे। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, मसलन अगर मैं आपको कई एक जगह का बताऊं कि फलानी जगह पर एक माउंटेन है, उस माउंटेन पर फलाना ट्री है, उस ट्री में एक फ्रूट है, उस फ्रूट का कलर जो है वो मैं आपको बता नहीं सकता, उसका टेस्ट मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप वहां जाएंगे नहीं तो उसको महसूस नहीं करेंगे। तो बिल्कुल नमाज और इबादत की लज्जत ऐसी ही है कि जब तक मैं खुद उसकी कोशिश नहीं करूंगा, खुद उसको अपने लिए प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, मैं उस इबादत तक नहीं पहुंच सकता, मैं उस चीज को फील नहीं कर सकता। तो हम अभी से प्रैक्टिस करें, अपने दिन और रात को ऑर्गेनाइज करें, उसको मैनेज करें और देखें कि अभी हमारा वक्त कैसे गुजर रहा है, हम अपना वक्त कहाँ गुजार रहे हैं, क्या सिर्फ व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अगर लेक्चर है ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान जो है वो हर वक्त जो है वो लेक्चर और मजलिस सुनता रहे, लेकिन बाकी चीजें कहीं खुदा ना खास्ता मेरा टाइम तो जाया नहीं कर रही, मेरे रूह के ऊपर इफेक्ट तो नहीं कर रही है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें इंसान जो है वो, क्योंकि ऐसी चीजें जो इंसान को ना फायदा दे ना नुकसान दे, वो भी इंसान के लेयर लगा देती है सोल के ऊपर, नफ्स के ऊपर, उसके लिए उसको मुश्किल हो जाती है। फिर वो जब इबादत में खड़ा होता है तो उसको फीलिंग क्रिएट नहीं होती है। इंसान जो है वो अगर ज्यादा बेवजह गुफ्तगू करे, कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, बोल रहा है, खामखा बहुत सारी चीजों को देख रहा है, तो इसी तरह लज्जत के लुकमे हैं, इंसान जो है वो खा रहा है, ख्वाहिशात की वजह से खा रहा है, वो सब चीजें ग्रेजुअली इंसान के ऊपर असर करती है। तो इंसान माह रमजान है भी, देखें, तस्किया का नफ्स, तस्किया अपने आप को पाक करने का महीना है, अपने आप को साफ करने का महीना है। तो हम माह रमजान में जब एंटर हों, उससे पहले अपने आप को पाक करें, उससे पहले हम अपने आप को साफ करें, और उसके लिए खुदा की बारगाह में हम जो परवरदिगार, कुरान में भी यही कहता है कि हमने माह रमजान तुम्हारे लिए वाजिब किए रोजे, जिस तरह तुमसे पहले वाली कौमों पर वाजिब किए कि शायद तुम तकवा इख्तियार करो अल्लाह को, शायद तुम मुत्तकी हो जाओ, शायद तुम परहेजगार हो जाओ। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। माह रमजान के लिए हम अभी से अपने आप को प्रिपेयर करें कि हम अपने इस टाइम जोन में कोई बुक रीडिंग हैबिट भी जो है वो लेकर आए, बुक रीडिंग हैबिट को क्रिएट करें, दुआओं को देखें जो माह रमजान के अंदर हमने दुआएं पढ़नी है, रात की दुआएं खासतौर पर, शब दुआए सहर है, डेली की दुआ है, उसके अलावा जो है वो दुआए अबू हमजा है, थोड़ा थोड़ा उसकी थोड़ा थोड़ा पढ़ें, उसको उसका ट्रांसलेशन देखें, ताकि हमें पता तो हो कि हम खुदा की बारगाह में दुआ मांग क्या रहे हैं,
दुआ मोमिन का सलाह है, दुआ ही है जो इंसान को बचा सकती है। आजकल तो वैसे भी दुआओं की जरूरत है, और इन हालात को अगर हम मद्देनजर रखें तो इसमें तौबा इस्तग़फार जरूर करें, क्योंकि बहरहाल जो मुश्किलात हैं दुनिया में आई हुई हैं उसमें जरूरी है कि हम इस्तग़फार करें, अपने खताओं गलतियों की खुदा की बारगाह में जो है वो मगफरत तलब करें खुदा की बारगाह में। मनाजात शाबानिया है, अभी शाबान का महीना है, कोशिश करें थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ें, उसका ट्रांसलेशन पढ़ें। बहुत बड़ी दुआ नहीं है, लेकिन उसके अंदर इंसान जो है वो खुदा की बारगाह में कहता है कि परवरदिगार मैं तेरी तरफ भाग कर आया हूँ, मैं अपने गुनाहों के इकरार को तेरी बारगाह में वसीला करार देता हूँ, तू मेरी मगफरत कर, सब कुछ तेरे हाथ में है, तेरे गैर के हाथ में नहीं है। तू सब जानता है जो मेरे दिल में है, जो मैं जबान पर भी नहीं लाया उसे तू उसको भी जानता है। तू मेरे जाहिर बातिन, तू मेरे इस हाल को और कयामत में जो मेरा हाल होगा तू उससे भी बाखबर है। यानी एक खुदा के साथ ये गुफ्तगू, ये कलाम बहुत इम्पोर्टेंट है, और आजकल हमारे पास टाइम है हम खुदा से गुफ्तगू करें, खुदा से कलाम करें। खुदा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, हदीसे कुदसी है कि जो खुदा की बारगाह में पलटता है, खुदा की बारगाह में आता है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स रेगिस्तान में, डेजर्ट में, जिसका सामान खो जाए, जिसका सवारी खो जाए, पानी ना हो उसके पास, कुछ ना हो, और प्यास की तशनगी से रेगिस्तान में गर्मी से इंसान जो है वो गिर जाए, बेहोश हो जाए, और उसको होश आए, जब वो आंख खोले तो देखे कि उसका सारा सामान उसके सामने मौजूद है, यानी जो उसने खोया था सब उसे मिल गया है, तो उसकी फीलिंग कैसी होगी। परवरदिगार जो है वो ऐसे ही फरमाता है कि जब कोई बंदा मेरी बारगाह में पलटता है तो मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुछ खोया हुआ था वो वापस आ गया है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और हम अल्लाह ही की तरफ जो है हमने वापस जाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम जाना ही उसके पास है तो फिर हम इस दुनिया में उससे दूर क्यों हैं? हम इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशात की पैरवी क्यों कर रहे हैं? ये दुनिया जिसे हमने बहुत अच्छा बनाया, अपनी जाहिरी दुनिया को खूबसूरत बनाया, आज वो दुनिया टूटती हुई नजर आ रही है, आज बड़ी बड़ी ताकतें परेशान नजर आ रही हैं, आज बड़ी बड़ी इमारतें खाली पड़ी हुई हैं, आज बड़े बड़े एयरपोर्ट, सारे बड़े बड़े जहाज इंसान ने बनाए कि उसके अंदर क्लासेस बनाई, ऐसे जहाज पे जाएगा, ऐसे ट्रेवल करेगा, इतने बड़े बड़े रिसॉर्ट्स, होटल सब खाली पड़े हैं, जो इंसान ने अपनी जाहिरी आसाइश का सामान बनाया था सब वीरान है, सब कुछ खाली है, खाना खुदा भी खाली है जाहिरी लोगों से। यकीनन मलाइका तवाफ कर रहे होंगे और ये खुदा भी जा रहे होंगे, लेकिन सब खाली हो गया है। इंसान ने जिस दुनिया पर इतनी मेहनत की वो दुनिया टूटती हुई नजर आ रही है, वो इल्म जिस पर बहुत ज्यादा वो तकब्बुर करता था वो इल्म उसके किसी काम नहीं आ रहा। यहाँ पर जरूरत है कि खुदा का निजाम, जो असल निजाम है, जो अंबिया लेकर आए, प्रॉफिट्स लेकर आए, वो सिस्टम दुनिया में राइज हो, वो ह्यूमैनिटी का सिस्टम है, वो इंसानियत का सिस्टम है, उसमें सबको हक दिया जाएगा, सबके साथ जस्टिस की जाएगी। हमें उस सिस्टम की तरफ बढ़ना है, और वो हम जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे हम नहीं पहुंच सकते। यकीनन इंसान अपने तजुर्बात और अपने कामों की वजह से ये सब जो देख रहा है ये उसके अपने काम है जो उसकी तरफ पलट आए। जब दुनिया में जुल्म और सितम बढ़ चुका है, जब इंसानियत तबाह हो गई है, जब इंसान कम और हैवान ज्यादा हो गया है, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे भाग रहा था, तो इस दुनिया को इसी तरह कोलैप्स होना था। यहाँ पर जरूरत है कि हम अपने आप को अपनी इस्लाह करें, इस्तग़फार करें खुदा की बारगाह में, और उस मुंजिए बशर के लिए दुआ करें, उस एक सेवियर के लिए जो प्रॉमिस जिसका किया गया है, जिसका वादा किया गया है, उसकी तरफ तवज्जो हो और अपने आप को उसके ज़हूर के लिए तैयार करें, वक्त के इमाम के लिए अपने आप को तैयार करें। शबे जुमा है, शबे दुआ है, शबे मगफरत है,
हम इस्तग़फ़ार करें, मफातिल जना में हदीस मौजूद है कि जो शब जुमा इस्तग़फ़ार करता है जवान खुदा की बारगाह में गिरिया करता है, समंदर की मछलियाँ भी उसके लिए इस्तग़फ़ार करती हैं। तो हम इन लम्हों को, इन साथों को, इन घंटों को वेस्ट ना होने दें, और इंशाल्लाह ये दिन बेहतर हो जाएंगे, ये दिन गुजर जाएंगे, लेकिन कामयाब वो होगा जिसने इन दिनों में कुछ सीखा होगा, कामयाब वो होगा जो आने वाली मुश्किलात के लिए तैयार होगा।